नमस्कार दोस्तों, सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स की 5th क्लास है ये, और इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 5 मार्क्स का है, सिंप्लीफिकेशन और या फिर अप्रोक्सीमेशन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम लोग 3 वीडियोज़ के यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर पढ़ेंगे, और आप देख रहे हैं इसका भी पार्ट 1, इसके बाद में पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे, तो वो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट दोस्त। इसके अलावा दोस्तों, हमारी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन कोचिंग है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, तो इसके अगर आप लोग जानकारी ज़्यादा चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर जो नीचे दी गई वेबसाइट है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो सिंपलीफिकेशन टॉपिक है, इसमें मेन चीज क्या है? ठीक है, मेन पॉइंट की बात है टाइम। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये तो सभी लोग करते आ रहे हैं और सभी लोग कर भी लेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट की बात आती है वो आती है कि टाइम लिमिट के अंदर अपन सारी चीज़ों को कैसे करें। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे, ये वाला जो हम लोग है ये इसका पार्ट 1 बोल के बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में 2 और मे बी थर्ड, थर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले पार्ट में हम लोग कैलकुलेशन, ठीक है, टिप्स कुछ सीखेंगे कैलकुलेशन की, मैं कुछ आप लोगों को टिप्स दूंगा जिससे आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में पार्ट 2 और 3 के अंदर हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, और उन एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऑप्शंस को कैसे यूज में लेना है, जिससे एग्जाम में कई बार ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है कि कौन सा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इन सारी टेक्निक्स का आप लोग कैसे यूज करेंगे वो हम पार्ट 2 और 3 के अंदर बात करेंगे। पार्ट 1 में सबसे पहले आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए, और ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपको DI में भी हेल्प करेगा, ये आपको बाकी जो क्वांटर सेक्शन आएगा सभी जगह हेल्प करेगा आपको टाइम बचाने में। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर का मतलब कि हम लोग 2 मेथड से यहाँ पे इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तो होगा हमारा मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 होगा सभी नंबर्स के ऊपर लगा सकते हैं, एप्लीकेबल ऑन ऑल नंबर्स। ठीक है, और जो मेथड 2 होगा उसके अंदर हम लोग जो 26 से लेके जो हमारे 100 तक के स्क्वायर हैं उनको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड, और ये वाला जो मेथड होगा इससे आप लोग 2 to 5 सेकेंड के अंदर ही स्क्वायर को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मेथड 1 बताऊंगा, जिसका मदद से आप लोग सभी नंबर, जो भी आपके मन में जो भी नंबर आएगा उस नंबर का आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेथड 2 है उसके अंदर मैं आप लोगों को 26 के लेकर 100 तक का बताऊंगा। अब ये 26 ही क्यों? क्योंकि दोस्तों 1 से लेकर जो 25 तक का है वो तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन मेथड 1 से स्टार्ट करते हैं। मेथड 1 से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ये लेक्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है क्योंकि कैलकुलेशन टिप्स आपको बार बार में काम में आएंगी, और मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी फालतू ट्रिक के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा जो आप एग्जाम में यूज़ में नहीं ले सकते। जैसे एक मल्टीप्लाई की ट्रिक होती है उसमें ऐसे ऐसे क्रॉस, इसके बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग इससे भी एक अच्छा मेथड देखेंगे मल्टीप्लाई करने का, तो आप लोग हमारे साथ इस लेक्चर में बने रहिए। हम एंड तक आप लोगों की जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा तेज करने की हम लोग कोशिश करेंगे, उसके बाद में ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आपको एक तो 1 से लेके 25 तक जो स्क्वायर हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 10 तक के जो क्यूब है वो याद होने चाहिए। ठीक है, और 1 से एटलीस्ट 30 तक जो टेबल होती है, जो आप उसको पहाड़ा बोल सकते हो, वो याद होने चाहिए। और 1 से लेके 30 में भी मैं आपको बता देता हूँ, 13, ठीक है, 17, 19, 23, 29, 31, इनके आप लोगों को जो टेबल है वो ज़रूर याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे आपको 12 की टेबल नहीं आती, ठीक है, तो आप पहले उस नंबर को 4 से डिवाइड कर लेंगे, फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर 13 से डिवाइड होगा तो वो 13 से ही डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा तो वो 17 से ही डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड होगा तो वो 19 से डिवाइड होगा। ये प्राइम नंबर है, इसका कोई इलाज नहीं है, इनके जो आपको टेबल है वो याद करने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट इनके टेबल तो आप लोग याद कर ही लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो
एक और बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को, फेसबुक पे बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि सर हमारे वीडियोस मतलब जो हैं वो आप लोगों के पता ही नहीं चलते कब आ जाते हैं। तो फेसबुक पे ग्रुप है अपना, बैंकर्स पॉइंट नाम से ही है और पेज भी है, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और पेज को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, वहाँ पे नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग फेसबुक पे जाके लाइक कर सकते हैं। और अगर किसी को लिंक नहीं मिल रहा है तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, 15 15 20 20 क्वेश्चन भेज देते हैं इस नंबर पे। दोस्तों मेरे पास पता नहीं कितने मैसेज आते हैं, मैं काउंट भी नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे लिए अब ये शुरू में मैं सभी के प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन करता था, मैं इस सॉल्यूशन को लिख के पेज पे उसकी फ़ोटो खींच के भेजा करता था मोबाइल पे, लेकिन अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं रहा है। तो एटलीस्ट आप लोग क्या फेसबुक ग्रुप और पेज पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह सारी चीज़ जो भी मेरे पास अवेलेबल होगी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो आप इस पर मैसेज करके लिंक मांग सकते हैं, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और थोड़ा टाइम लग सकता है रिप्लाई आने में, लेकिन रिप्लाई आ जाएगा। चलो अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्वायर ये अपना मेथड वन, फॉर एग्जांपल अपने को चलो स्क्वायर करना है 47 का, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को 47 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आपको 4 का स्क्वायर पता है, 7 का स्क्वायर पता है, तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, यहाँ पे लिख दिया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 56। यूनिट प्लेस वाली जगह को छोड़ के आगे वाली जगह पे लिख दो आप 56, ठीक है। यूनिट प्लेस वाली ये वाली जगह आपको क्या छोड़नी है, खाली छोड़नी है। अब इसको जोड़ लो, ये आ गया आपका 47 का स्क्वायर। दोस्तों इस मेथड से आप लोगों को अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हार्डली आपको 5 से 6 सेकंड यहाँ पे हार्डली किसी का भी स्क्वायर निकालने में लगेंगे, क्योंकि ये सब तो लिखना पड़ेगा नहीं। आप तो जैसे ही एग्जाम में आपको 47 दिखेगा आप 49 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, बीच में 56 लिख देंगे। इसको जोड़ने में कितना टाइम लगेगा, 5 या 6 सेकंड, 10 सेकंड ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, 52 का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों को, वो इस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताई नहीं है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। तो आपको सिर्फ 4 नहीं लिखना है, आपको 0 4 लिखना है, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे कितने नंबर होने चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए। 47 का जो स्क्वायर किया था उसमें 49 आया था 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर थे, 2 नंबर थे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ही नंबर है 4, तो मेरे को 0 मेरी तरफ से यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जिसने 4 लिख दिया उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आप 5 का स्क्वायर कर दो, 25, तो यानी कि स्क्वायर में 2 आता है तो 2 नंबर होने ही होने चाहिए लास्ट वाले स्क्वायर पे, ये याद रखना है आप लोगों को। फिर देखो लो, मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 2 से किया, 10 को 2 से किया, तो यहाँ पे 20 आ गया, 4072 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी नंबर का यहाँ पे इस मेथड से स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में और बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे 53 का होल स्क्वायर, ठीक है। 53 का होल स्क्वायर करो, 3 का होल स्क्वायर में क्या लिखूंगा मैं, 09 लिखूंगा, ठीक है। और 5 का स्क्वायर में 25 लिखूंगा, 5 15 15 2 30, तो यहाँ पे आ गया 30 30, और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे इस मेथड में भी। 58 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 64, तो यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 नंबर हैं अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 25, ठीक है। ये हो गया 40 80, ठीक है। तो यूनिट प्लेस की जगह छोड़ के यहाँ पे 80 लिख दो, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये एक मेथड था, इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग सेकंड मेथड के ऊपर बात करते हैं, तो वो आता है 25 से 50 और 50 से 75, इनके बीच के नंबर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, वही पुराने वाले
47 का एक स्क्वायर करना है अपने को, यहाँ पे बीच में डिवाइडेशन बना लेते हैं, एक अपने को 53 का स्क्वायर करना है। देखो दोस्तों, दोनों में बहुत ही मामूली सा फर्क है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग स्क्वायर निकाल पाएंगे किसी भी नंबर का, 25 से लेकर 75 के बीच का। जो 47 है वो 50 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है, तो 25 से भी 3 कम कर दो तो कितना आएगा, 22। और जो 3 कम किया है उसका स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, लेकिन 9 को अपन अकेला नहीं लिख के क्या लिखते हैं, दो नंबर होने चाहिए, तो 09 लिखते हैं, आराम से आ गया। अब मैं इसको डिटेलिंग में बताऊंगा, पहले अपन 53 का स्क्वायर और देख लेते हैं। 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 25 में भी क्या ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, तो 28, ठीक है। अब 3 ऐड किया है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 09, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे करके आप लोग सिर्फ एक लाइन में डायरेक्ट आंसर लिखेंगे स्क्वायर का, आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी इधर उधर मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई करने की। कैसे किया है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा अभी भी, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। 47 3 लेस देन 50, या फिर 50 से 3 कम, समझ में आ रहा है, कम है इसलिए 25 से भी कम कर दो, कितना आ गया 22। तो शुरू का ये वाला नंबर क्या हो गया, 22, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो 3 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, ठीक है, अब स्क्वायर इसलिए 3 का, एक नंबर तो अकेला आ नहीं सकता, इसलिए साथ में इसको क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट दो नंबर तो होने ही होने चाहिए, दो ही होने चाहिए, 3 भी नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही 53 किया, ये क्या है, 3 मोर देन 50, 3 ज़्यादा है 50 से, ठीक है, 53 यानी कि 3 ज़्यादा है 50 से, समझे, तो 25 में 3 ऐड कर दो, कितना आ गया, 28 आ गया, 28 लिख दो। अब इस 3 का स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे 09 आ गया, ये लो, एकदम से इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देख जैसे ही आप लोग देखेंगे वैसे ही लिख देंगे। जैसे नेक्स्ट में एग्जांपल आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, जैसे अपन यहाँ पे ले लेते हैं 44, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका 56। सेम से एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाए, ज़्यादा कम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 44 50 से कितना कम है, 44 50 से 6 कम है, ठीक है, तो 25 से 6 कम कर दूंगा मैं, कितना आएगा, 19 आएगा, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब 56 का देख लो, 56 25 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 25 में कितना जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 31 आ जाएगा, और फिर 6 का स्क्वायर 36। देखते हैं आंसर लिखोगे आप लोग, 2 सेकंड में ले खत्म आपका स्क्वायर, आपका अगर कहीं स्क्वायर करना पड़ रहा है सिंप्लीफिकेशन में, तो आप 2 सेकंड में कर लेंगे, आपका टाइम बचेगा यहाँ से इस मेथड से, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब देखो बता देता हूँ मैं आप लोगों को, 6 लेस देन 25 50, ठीक है, 6 कम है, 6 कम है 50 से, समझ में आई, तो 25 में से कितना माइनस कर दो, 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 19, और फिर इस 6 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। 6 मोर देन 50, 6 ज़्यादा है 50 से, ठीक है, तो 25 में क्या ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, 31 आ जाएगा, और उसके बाद में इस 6 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल और दूंगा, बस उसके बाद में आपका स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यहाँ तक 75 तक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 32 का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपका 68 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है भाई, 50 से कितना कम है, 18 कम है ना, कम या फिर लेस, ठीक है, 18 कम है, तो 25 में से 18 माइनस कर दो भाई, कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इसके बाद में इस 18 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो आपको याद करने, देखो 25 तक 18 का स्क्वायर होता है 324, 324। अब दोस्तों जिसने यहाँ पे 324 लिख दिया उसका गलत हो गया,
क्योंकि मैं अभी तक बताता आ रहा हूँ कि आपका दो ही नंबर स्क्वायर में से आएगा, ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर 9 आ रहा था तो हम 0 9 कर रहे थे, 4 का स्क्वायर 16 आ रहा था तो हम डायरेक्ट 16 लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 2 4, तो इसका 2 4 ही लेना है, तब इसको अपन लोग ऐसे लिख देंगे अगर 3 नंबर आता है तो। अब इसको ऐड कर लो, बात समझ में आई ना, स्क्वायर में जो आखिरी के 2 यूनिट है वो 2 ही लेने हैं स्क्वायर से, ठीक है। अगर 3 यूनिट आते हैं तो उसको पहले वाले के साथ जोड़ दो आप लोग, ठीक है। अब जैसे ये वाला स्क्वायर हो गया, ये क्या है, 50 से 18 ज़्यादा है, या फिर आप लोग लिख सकते हो मोर है, ठीक है। तो 25 में 18 जोड़ दो भाई, ठीक है, 25 में 18 जोड़ दोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, 43 आ जाएगा। अब इस 18 का स्क्वायर कर दो, अब किसी ने 43 और 18 का स्क्वायर 324 ऐसे लिख दिया, उसका तो हो गया जी गलत, ठीक है। 43 में आपको दो ही नंबर आखिरी दो प्लेस पे रखने, तो इसलिए आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, 4 6 2 4, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आई ना ये बात आप लोगों को, मैंने क्यों बताया ये वाला एग्जाम्पल, अगर दो ही नंबर लेने हैं आखिरी के अंदर। होपफुली ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट की। ठीक है, स्क्वायर रूट में दोस्तों मैं सिर्फ उन्हीं नंबर की यहाँ पे बात करूँगा जिनके मतलब कि, अरे सॉरी मैं कुछ भूल गया था यहाँ पे आपको स्क्वायर में बताना अभी, ठीक है। तो अभी हमारा बचा हुआ है 75 से 100 वाला, जो शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड है वो तो बचा ही हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा दिमाग से मिस हो गया था तो ये याद आ गया मेरे को, तो अभी ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 75 से 100 के बीच में कोई भी 89 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 89 ले लिया, और इसका करना है अपने को स्क्वायर, सिंपल है। 100 से कितना कम है, 11 कम है, 100 से कितना कम है, चलो 89 का बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं 93 का, ठीक है। फिर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसमें, तो कोई दिक्कत होगी, ठीक है। 93 100 से कितना कम है, 7 कम है, 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो उस खुद के नंबर में से ही 60 माइनस कर दो, 93 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 86 बचेगा, ठीक है। फिर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, ये लो बहुत ईजी है भाई, कैसे किया देखते हैं। 93 7 less than 100, कितना कम है, 100 से 7 कम है, ठीक है। तो 93 में से ही क्या माइनस कर दो, 7 माइनस कर दो, तो आपका 86 आ जाएगा, और फिर इस 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, ये लो आपका आंसर, समझ गए। अब ऐसे ही इसमें करना है, ये 100 से कितना कम है, 11 कम है, 89 में से 11 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। अब 78 में आगे क्या लिखना है, 11 का स्क्वायर, अगर किसी ने ये लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आने चाहिए, सिर्फ दो नंबर ही आने चाहिए, इसलिए इसको इस तरीके से अपन लोग करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको 75 से 100 का जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब अपन स्क्वायर रूट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत ही स्लो ले रहा हूँ लेक्चर को, इसका एक रीज़न है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन के ये जो कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, ये आपको पूरी मैथ्स में हेल्प करेंगे, जो पूरा सेक्शन है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लो आपको आराम आराम से बता रहा हूँ। यहाँ पे स्क्वायर रूट में उन्हीं नंबर्स का बात करेंगे जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात करेंगे इसे, ठीक है। जैसे कि जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर्स की ही बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसके अलावा हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर तो सबको याद होंगे, एक बार हम लोग लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 4, ठीक है, 2 का 4 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का यहाँ पे 81। यहाँ से दोस्तों आप लोगों को एक बात ध्यान से देखने वाली है, ऑब्जर्व करने वाली बात है, वो ये है कि अगर किसी नंबर के एंड में 1 4
5, 6, 9 ये आता है तभी उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, पॉइंट्स में आए नहीं आएगा, एक पूर्णांक संख्या ही आएगी, एक परफेक्ट नंबर ही आएगा उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो यहाँ पे 1, 4, 9, 16, 25, 36, ठीक है। अब अपन किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर उसके एंड में, उस नंबर के एंड में जो लास्ट यूनिट है वो 1 है, इसका मतलब जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी जो एंड यूनिट होगी वो या तो 1 होगी या 9 होगी। ऐसे ही 4 होगा तो यहाँ पे 2 होगा या 8 होगा, 5 का तो यहाँ पे 5 ही होगा, 6 के लिए यहाँ पे 4 होगा या फिर 6 होगा, 9 के लिए 3 होगा या फिर 7 होगा। दिख रहा है आपको 7, ठीक है, यहाँ पे भी 9 है आखिरी यूनिट और 3 के लिए भी 9 है आखिरी यूनिट। तो ये थोड़ी सी मैं बात आपको समझाना चाह रहा था। दूसरा 2, 3, 7, 8, ये अगर नंबर किसी नंबर के एंड में आते हैं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना पॉसिबल है नहीं है, स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इनका स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। और हम यहाँ पे सिर्फ ये सपोज करके चल रहे हैं कि एग्जामिनर लगभग आप लोगों को या तो एकदम से पास में देगा परफेक्ट स्क्वायर रूट के, या फिर परफेक्ट स्क्वायर रूट ही देगा। तो आप लोगों को इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा होगा तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये मेथड देखना है तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी बात थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब हम लोग हमारे मेथड की ओर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को 1444, 1444, इसका आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट में क्या करना है, आखिरी के दो नंबर अलग कर लो। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, स्क्वायर है इसलिए आखिरी के दो नंबर अलग कर लो, ये हो गया। ठीक है, आखिरी के दो नंबर अलग कर लिए, यहाँ पे जो लास्ट यूनिट है वो क्या है, 4 है। इसका मतलब जो स्क्वायर का जो लास्ट यूनिट आएगा वो या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा, 8 आएगा, समझ रहे हो। और दोनों का एड हमेशा 10 होता है यहाँ पे, ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 14 है ये किसके बीच में आता है, ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर यानी 9 और 16 के बीच में कहीं आता है। तो यहाँ से छोटा वाला नंबर ले लो आप लोग, तो जो स्क्वायर रूट का जो पहला नंबर होगा वो तो 3 हो जाएगा, यहाँ से छोटा ले लो। ठीक है, अब इन दोनों में से आखिरी नंबर कौन सा आएगा उसकी बात रह गई। तो उसके लिए अपन लोगों को क्या करना है, इस 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो। 3 और 4 मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 12 आ गया। ये 12 मेरा 14 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा नंबर उठा लो, बड़ा नंबर उठा लो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 38। एक एग्जांपल और देखते हैं फिर आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। 5, 7, 7, 6 स्क्वायर, इसलिए दो पार्टों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 6 का मतलब 4 या फिर 6, फिर से देखो दोनों का ऐड क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। बस ये ऑब्जर्व करने वाली बातें होती हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 57 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 के बीच में आ रहा है। 49, 57, 64, समझ में आ रहा है। इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, वहाँ तो आप दिमाग से ही कर लोगे। ये बस मैं आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 7। 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 56। ठीक है, ये 56 57 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ से बड़ा नंबर ले लो, 76। एक एग्जांपल और देख लो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं हम, यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं। एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं जिसके अंदर छोटा वाला नंबर लेना हो, तो ये वाला नंबर क्या है अपना, बड़ा आ जाए। ठीक है, तो ऐसा एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 16129, इसमें 5 नंबर ले लेते हैं। अगर दोस्तों इसको कोई ऐसे मत बांट देना कि 3 इधर 2 इधर, दो नंबर ही रखने हैं आपको इधर। ठीक है, दो नंबर, अगर कोई 6 नंबर का भी नंबर हो ना, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो आपको दो ही नंबर रखने, इधर इधर 4 रखने पड़े चाहे। ठीक है,
तो आपको सिर्फ आखिर में जो पार्टीशन करना होता है वो दो नंबर अलग करने होते हैं बस। इस 9 का मतलब क्या है? 3 और 7 में से हो सकता है। 161 किस किस के बीच का है? 12 के स्क्वायर का और 13 के स्क्वायर के बीच का है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर ले लिया मैंने। अब 3 और 7 में से क्या आएगा, उसके लिए मैंने 12 और 13 को क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 156। ठीक है, ये जो 156 होगा ये क्या है? 161 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ से कौन सा नंबर ले लो? बड़ा वाला नंबर ले लो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 151, फिर आता है आपका 29। ठीक है, इसको ऐसे पार्टीशन हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 7। 3 और 7 में से हो सकता है। 151 किस किस के बीच में आता है? वही 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो छोटा वाला नंबर ले लिया मैंने। 12 और 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आता है 156। ये 151 से क्या है? बड़ा है 151 से। ठीक है, क्या है? 151 से ये क्या है? बड़ा है। इसलिए यहाँ से कौन सा नंबर लेंगे इस बार? छोटा वाला नंबर ले लेंगे। तो ये आ गया 123। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लेक्चर काफ़ी मेरे को लग रहा है कि लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग इस क्यूब और क्यूब रूट जो हैं और उसके मतलब मैं आपको बता देता हूँ। क्यूब, क्यूब रूट और जो फ्रैक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन जो भी होता है, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उसके अंदर कुछ। तो यहाँ पे फ्रैक्शन की जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी मैं इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है आप लोगों को? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 40, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग। एक बार थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 46 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ लोग तो डायरेक्ट ही ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, इसको तेज़ी से भी कर लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को सोचना कैसे है मैं बताता हूँ आपको। 46 को मैं 40+6 लिख सकता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, होगा 2-3 सेकेंड के अंदर ही आपका, ठीक है, लेकिन आपको एक माइंड सेट बनाना है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये जो 4 है इसको 40 से मल्टीप्लाई करो अपने माइंड में ही, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा, 160 यानी कि 160 आ जाएगा। फिर इसको माइंड में 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 36 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 160 और 24 आ गया। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 160 और 24 कितना हो गया? 184 हो गया। डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया। फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 12 आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है? 92 लिखना है। इसको ऐड कर लो आप, ठीक है, ये आ गया 11 और 4 आपका। अब इसको फास्ट कैसे होगा ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। आपने एग्ज़ाम में देखा 46 × 24, ये आपने सिर्फ कहाँ देखा? स्क्रीन पे देखा। अब आप कॉपी में क्या लिखेंगे? आप कॉपी में सिर्फ लिखेंगे 44 160 + 24 184, और फिर आप लिखेंगे 80 + 12 92, ये हो गया 4011। अलग आपका 2-3 सेकंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना वो सब झंझट आप लोगों को यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं कि बड़ा वाला कैसे होगा। जैसे 124 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 36 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 124 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो कैसे माइंड सेटअप करना है। 6 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे 2 जीरो लगेंगे, 600, ठीक है, फिर 120, 720, 720 और 24 कितना हो गया? 744, ये लो 744 हो गया। 360 और 12, 372, ये लो इसको जोड़ लो, 4, 6, 14, ये लो। ठीक है, अब मेरा कितना हाथ तेज़ हाथ चलता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर 124 हो गया, ये हो गया 36 मल्टीप्लाई करना है सीधा। देखो देखते ही इतना तेज़ हो जाएगा एक बार प्रैक्टिस करने के बाद में कि सीधा आप लोग लिखोगे
600, 120, 720 और 24, 744, ठीक है, 360 और 12, 372। ये लो, इसको ऐड कर लो। मतलब एक बार अगर आप लोगों ने 10 10 करके मल्टीप्लाई आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद में तो मतलब मल्टीप्लाई में तो इतना तेज़ हो जाएगा आपका माइंड कि फिर आप लोग कोई भी मल्टीप्लाई ऐसे कर पाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा आने वाले अपडेट्स के लिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग हम लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको किस प्रकार के और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी अगले वीडियो में।